हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई विल नॉट डिस्कस पॉलिटिकल न्यूज़ क्योंकि जो पॉलिटिकल न्यूज होती है वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है सच लेकिन अगर कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा होगा जिसको आप कहीं कोट कर सकते हैं किसी चीज से को रिलेट कर सकते हैं तो ऑफकोर्स वो मैं डिस्कस कर दूंगी लेकिन एस सच पॉलिटिकल न्यूज़ मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो यू पी एस सी के लिए रेलिवेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर जैसे बात की जाती है कमांड ने ऐसा बोला हाई कमांड ने वैसा बोला तो वो न्यूज़ डिस्कस करने का ये पर्पज था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब पार्टी में यहाँ पर डेमोक डेमोक्रेसी नहीं है तो कंट्री में वो पार्टी कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर कर सकती है तो पार्टी में डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी होता है तो ये एक वो पॉइंट आप उस न्यूज़ आइटम से ले सकते थे वरना ऐसे सच में पॉलिटिक्स की न्यूज़ कोई भी डिस्कस नहीं करूँगी अब यहाँ पर हम ट्वेंटी अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है वैसे तो वेमेन के रिजर्वेशन की बात की जाती है कि थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए इसके लिए बिल भी आ चुका है लेकिन बिल आज तक पास नहीं हुआ है अब यहाँ पर कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है कि यूपी पोल्स में लगभग चालीस परसेंट टिकट्स महिलाओं को देंगे तो द तो कांग्रेस डिसीजन इज़ अ कैलकुलेटेड मूव बट ऑल्सो अ चैलेंज इन द ट ट्वेंटी सेवेंटीन इलेक्शन टू द फोर जीरो थ्री मैंबर यू पी असम्बली तो यहाँ पर जो यू पी असेंबली में लगभग चार सौ तीन मेंबर्स की सीट है तो यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि चालीस परसेंट यहाँ पर टिकट्स वेमेन को दें अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ तो आपको पता है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसमें माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है जिसकी वजह से जो माइग्रेंट्स हैं वो वैली छोड़ कर जा रहे हैं तो एज़ माइग्रेंट्स लीव वैली ऑफिशियल से सिक्योरिटी अप सिचुएशन गेटिंग बेटर तो ऑफिशल्स का ये कहना है कि हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो माइग्रेंट्स है वो वैली को छोड़ कर जा रहे हैं अब नेक्स्ट है इंडिया स्टिकिंग टू एल प्रोटोकॉल्स बट कैन रिव्यू अब यहाँ पर एल पे पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना का तो इंडिया बेसिकली उसके बाद भी जो भी चाइना के साथ हमारी म्यूचुअली एग्रीड प्रोटोकॉल से जो भी पंचशील का प्रिंसिपल है तो इंडिया उसको हमेशा से मानता रहा है लेकिन इंडिया ने बोला आज तक तो हमने ये बात मानी है लेकिन आगे हम माने या ना माने वो हमें रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि जो चाइना है वो तो कोई बात नहीं मान रहा है सच कोई प्रोटोकॉल को वो नहीं मानता कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता है तो वाई इंडिया इज स्टिकिंग टू द म्यूचुअली एग्रीड प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स विद चाइना रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ट्रूप्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो दिस मे बी रिव्यूड एट द स्ट्रैटेजिक लेवल फॉर द फ्यूचर तो हम फ्यूचर में ये सारे म्यूचुअली एग्रीड प्रोटोकॉल्स को फॉलो uh, करें ना करें वो वो आने वाली बात है और उसको हम रिव्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर लार्जर गाइडेंस स्ट्रेटेजिक गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विदुएशन ऑन एल ए सी इज टू रिस्पेक्ट द म्यूचुअली एग्रीड प्रोटोकॉल्स तो इंडिया हमेशा म्यूचुअली एग्रीड प्रोटोकॉल्स को मानता हुआ आया है दैट हैज़ बीन आर एफर्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वट हैज़ बीन द एक्शन और रिस्पॉस फ्रॉम द अदर साइड तो हम अभी तक ये नहीं सोचते थे कि दूसरा साइड क्या कर रहा है लेकिन हम हमेशा रूल्स को फॉलो करते थे लेकिन अब जो अदर साइड चाइना वो बिल्कुल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा उसके लिए रूल्स एग्जिट ही नहीं करते तो यहाँ पर भी अब हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें इन एल ए सी प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन गोवा पार्टी सीक्स कोटा विद इन कोटा अब ये नई बात है कि कोटा विद इन कोटा फॉर एग्जांपल जो ओबीसी को ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर सत्ताईस परसेंट रिजर्वेशन दिया गया था ओ बी कम्युनिटी को अब इनका ये कहना है कि जो भंडारी कम्युनिटी है वो सिक्सटी वन परसेंट है ओ में तो यहाँ पर जो सत्ताईस कोटा है इसमें सिक्सटी का लगभग कोटा सत्ताईस में जो सिक्सटी है वो भंडारी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर रिजर्व कर देना चाहिए आगे चलते हैं आपको रिजर्वेशन में बस इतना पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि नहीं है कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेडी कर लेना तो ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपके पास पहले से पॉइंट हों अब यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आप देख सकते हैं आगे चलते हैं अभी कुशीनगर है तो कुशीनगर नगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सच लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने महापरिनिर्वाना कुशीनगर में ही अटेंड किया था आई थिंक फोर एटी सेवन बी सी ई में यहाँ पर अटेंड किया गया था तो लॉर्ड बुद्धा द्वारा महापर् आगे चलते हैं बुद्धिज़म जर्निज्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है जो भी बुद्धिज़म से रिलेटेड होती है अब यहाँ पर एक बिल था तो बिल तो अलैप्स हो गया और वैसे भी ये लोग गवर्नर को नहीं भेज रहे तो इस बिल में क्या बात कही गई थी ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं तो गोवा में एक भूमि भूमि पुत्र बिल लेकर आया गया था भूमि पुत्र बिल में ये लिखा गया था जो भी गोवा में पिछले तीस सालों से रह रहा है तो उसको स्टेटस मिल जाएगा भूमिपुत्र का और वो जहाँ पर रह रहा है वो वहाँ की ओनरशिप को क्लेम कर सकता है तो द भूमिपुत्र बिल एम्स एट गिविंग दोज रिसाइडिंग इन गोवा फॉर एटलीस्ट थर्टी ईयर्स द स्टेटस ऑफ भूमिपुत्र तो कोई भी पिछले तीस सालों से रह रहा है तो उसको भूमि भूमिपुत्र का स्टेटस मिल जाएगा और वो वहाँ की ओनरशिप को क्लेम कर सकता है लगभग दो स्क्वायर मीटर जहाँ पर भी हाउस में वो रह रहा है वो उसका हो जाएगा अब यहाँ पर अपोजिशन ने बेसिकली ये बोला तो ऐसे तो कोई भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन जिसे माइग्रेंट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो वो सब भी उनके हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ओरिजिनल गोवंस हैं नेटिव गोवंस हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा बल्कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं वो जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है वो लीगल हो जाएगा तो गोवा गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि भूमिपुत्र बिल को यहाँ पर पास होने दिया जाएगा मतलब लैप्स होने दिया जाएगा और यहाँ पर गवर्नर के पास नहीं भेजा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिसिज्म मिला तो बस भूमिपुत्र बिल किससे रिलेटेड है गोवा से रिलेटेड था आगे चलता यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब ये एक आर्टिकल भी आया था कल सी राजा मोहन का जिसमें हमने बात की थी कि ये जो नए कॉर्ड बन सकता है तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल एंड द यूएई इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक फोरम बनाएंगे ताकि हम आगे फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकें इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ को और, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मेरी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इसके अलावा इसराइल अब आई को भी ज्वाइन कर रहा है आगे हम चलते हैं अब हम ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे तो फ्लड एंड फ्यूरी तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लैंडस्लाइड्स हो रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है तो दट टोपोग्राफी ऑफ मोस्ट हिल रीजनस तो हिल रीजन्स की टोपोग्राफी ही ऐसी है कि वो लैंड के लिए ज़्यादा प्रोन होता है और ऐसे में यहाँ पर लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कॉरिंग कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जब ऐसा कुछ होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलेंगे जो कि देखने को मिल रहे हैं दो कमेटीज़ बनाई गई थी वेस्टर्न घाट्स को लेकर तो एक कमेटी तो बनाई गई थी माधव गढ़गिल कमेटी तो माधव गढ़गल कमेटी का बेसिकली ये कहना था तो जो पूरा वेस्टर्न घाट्स है उस पूरे वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए तो सरकार ने इनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना और एक और कमेटी बनाई कस्तूरी रंगन कमेटी तो इन 2011 फॉर एग्जांपल द माधव गढ़गिल कमेटी रिकमेंडेड दैट रफली वन लैख थर्टी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेच स्पेनिंग गुजरात कर्नाटका केरला महाराष्ट्र तमिलनाडु इस पूरे एरिया को इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए फिर इसकी रिकमेंडेशन को किसी ने नहीं बनाना तो नन ऑफ द सिक्स स्टेट्स एग्रीड विद इट्स रिकमेंडेशन तो इन छों स्टेट्स में से किसी ने भी इस रिकमेंडेशन के लिए एग्री नहीं किया केरला ने पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट किया कि नहीं हम माइनिंग पे बैन नहीं लगाएंगे इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे फिर एक और कमेटी बनाई गई के कस्तूरी रंगन कमेटी के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इन रिकमेंडेशनस को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया फॉर एग्जाम्पल के कस्तूरी रंगन कमेटी में ये बोला गया था कि थर्टी सेवन परसेंट ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रहना चाहिए जैसा कि माधव गढ़गिल कमेटी ने बोला था तो माधव गढ़गिल कमेटी ने कमेटी ने तो पूरा हंड्रेड परसेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात कर दी थी लेकिन कस्तूरी रंगन कमेटी ने यह बोला कि सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में सिर्फ थर्टी सेवन परसेंट एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन मार्क करो अब यहाँ पर केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं इसके अलावा जो इदुक्की डैम है उसके भी शटर्स खोलने की बात की जा रही है तो केरला गवर्नमेंट हैज़ ओपन द शटर्स ऑफ द इदुक्की डैम तो इदुक्की डैम के शटर्स भी खोल दिए गए हैं पता केरला गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आई पी सी सी की रिपोर्ट के बाद भी हम ये समझ जाएँ और बहुत जल्दी समझ जाएँ कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी है और ऐसे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज इवेंट्स और ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो हमें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है अगर नहीं करेंगे तो फिर यही यहीफॉर डिसीजनस लेंगे तो यही सब हमें झेलने को मिलेगा हम आगे चलते हैं द ढाका चैलेंज अब यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है जो हिंदूज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है उनके अगेंस्ट वॉयलेंस हो रहा है तो वॉयलेंस टारगेटिंग द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश इज अ डिस्टर्बिंग साइन ऑफ द कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिस्ट ग्रुप्स तो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो कैसे अभी तक अपनी इन्फ्लुएंस जमाए हुए हैं अब हिंदू कम्युनिटी लगभग दस परसेंट है बांग्लादेश की पॉपुलेशन का तो बहुत कम है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो तब लगभग नाइनटीन सेवेंटी वन हिंदू कम्युनिटी तेतीस परसेंट थी लेकिन अब सिर्फ वहाँ पर दस परसेंट बची है अब न्यू डेली हैज़ एक्सप्रेस कंसन इवेंट्स इन नेबरहुड कैन पोटेंशली रेजोनेट एट होम तो यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स इंडिया में भी आ सकते हैं तो यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स इंडिया में आ सकते हैं फॉर एनी टू स्टेप इन टू अ मैटर दैट इन्वाल्व सिटीजन ऑफ बांग्लादेश इज फ्रॉड विद रिस्क एंड अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस अभी जो मैट बैटर है हमें ये ढाका पे छोड़ देना चाहिए एड्रेस करने के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है न्यू इज़ एक्सप्रेस कंसेंस तो हमने कंसर्न दिखाया सिंस इवेंट्स जो नेबरहुड में है वो यहाँ पर इंडिया में उसके इस ओवर इफेक्ट्स हो सकते हैं बट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम प्राइमेरीली फॉर ढाका टू एड्रेस लेकिन जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश को ही एड्रेस करने देना चाहिए लाइक मोस्ट कंट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा कम्यूनल वायलेंस होता है हिंदू वहाँ की सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस मिनॉरिटी है जिसको वहाँ पर ब्रंट फेस करना पड़ रहा है अगर 2013 से देखा जाए तो लगभग छत्तीस सौ इंसिडेंट्स हो चुके हैं वॉयलेंस के अगेंस्ट हिंदूज और एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि एंड टू हिंदू मोबिलाइजेशन बांग्लादेश में होता रहता है अ सेकुलर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हैज़ बीन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ बांग्लादेश लेकिन जो वहाँ पर पावरफुल इस्लामिक स्ट्रेंड है और ये जो वॉयलेंस देखा जा रहा है ये मेनली कराया जा रहा है बाय द जमात इस्लामी और ये प्रो पाकिस्तान फोर्सेस के द्वारा हैं तो प्रो पाकिस्तान फोर्सेस के बाद यहाँ पे जमात इस्लामी इनकी वजह से यहाँ पर ये यह वॉयलेंस देखने को मिल रहा है तो फैक्ट यही है कि पार्टीशन को पचहत्तर साल हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है यहाँ पर पोलराइजेशन लगातार बना हुआ है द फैक्ट रिमेंस दैट ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव ईयर सन्स पार्टीशन रिलीजियस पोलराइजेशन इन एनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टींेंट हैज़ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीशन तो यहाँ पर गवर्नमेंट को विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं कोशिश करें कि कैसे कम्युनल फॉल्ट लाइन्स को वो एक्सप्लॉइट करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको इन कम्युनल फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना चाहिए अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी बांग्लादेश के ऊपर है कि बांग्लादेश में जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हो गए हैं ये क्यों हुआ है इनका क्या रीज़न है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है तो वॉयेंस अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश इज दे अ नोमिनस डेवलपमेंट तो यहाँ पर एक ऑथर ने एक बात बताई है कि जो साउथ एशिया है वो एक सिंगल गारमेंट ऑफ डेस्टिनी में बिल्ट है फॉर एग्जाम्पल ये पूरा इंडिया था फिर इंडिया से पाकिस्तान बना फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो इस सारी सबकी डेस्टिनी एक ही गारमेंट में है तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग के एक कॉन्टेक्स की बात की एक फ्रेज़ की बात की है तो वॉयलेंस इन वन प्लेस विल स्पिल ओवर टू अनदर तो यहाँ पर किसी भी जगह वॉयलेंस होता है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर फ्रीडम एक जगह इंडेंजर्ड है तो इट विल इन एविटेबली करोड द फ्रीडम ऑफ अदर्स तो यहाँ पर दूसरी जगह फिर लोगों के फ्रीडम वहाँ पर भी करोड होंगे ही होंगे एंटी हिंदू वॉयलेंस जो बांग्लादेश में वो नया नहीं है जैसे कि हमने देखा दो हज़ार तेरह से लगभग छत्तीस सौ इंसीडेंट्स हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक कोइंसिडेंस वाली बात यह है कि यहाँ पर कश्मीर में अभी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और यहाँ पर बांग्लादेश में भी ये एंटी हिंदू एक सेंटीमेंट बिल्ड किया जा रहा है तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ कोरिलेट नहीं कर रही बल्कि ये कोशिश की जा रहा है कि यहाँ पर कम्यूनल फॉर्मलाइज को एक्सप्लॉइट किया जाए तो द इंटेंट इज़ नॉट जस्ट लोकल एथनिक टेरर तो यहाँ पर जो इंटेंट है वो सिर्फ एथनिक टेरर लोकल एथनिक टेरर बिल्ड करने का नहीं बल्कि इंटेंट ये है कि कैसे कम्युनल डिवाइड किया जाए इंडिया में अब ये बहुत टेम्पिंग है ये कहना है कि जो वॉयलेंस है वो स्ट्रेटेजिक एक्ट किया जा रहा है बाई पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स और इसके ट्रांस नेशनल नाश, लिंक से पाकिस्तान के द्वारा जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है ये ऑर्गेनिकली एम्बेडेड नहीं है सोसाइटी में तो ऑर्चर ने बोला ये दूसरी बात है कि हम ये पता करेंगे ऑर्गेनिकली एम्बेडेड है या सोसाइटी में नहीं है जैसे कि बट इन साउथ एशिया द लिंक बिटवीन स्ट्रेटेजिक स्ट्रटेजिक वॉयलेंस एंड द ऑर्गेनिक एम्बेडेडनेस इज ऑलवेज अ ट्रिकी वन तो हम ये लिंक बता कि जो ऑर्गेनिक एम्बेडेड है सोसाइटी में नहीं है तो ये हमेशा ट्रिकी रहा है इसका कुछ आंसर नहीं है कि ली आप बोल दो कि नहीं है नहीं नहीं है ये बेसिकली ग्रे एरिया है जिसमें हम नहीं पता कर सकते कि ये जो हो रहा है सब कुछ जो कम्युनल वॉयलेंस हो रहा है ये कि ऑर्गेनिकली एम्बेडेड है सोसाइटी में तो अब यहाँ पर लोग सोचते हैं जैसे कश्मीरियत है वो टेररिज्म को सर्वाइव कर लेगी जो बांग्लादेश का प्लुरजम है वो इस वॉयलेंस को सर्वाइव कर लेगा जो ब्लेस फैमिली लॉज है पंजाब में जैसे निहंग्स ने हत्या कर दी उसको सर्वाइव कर लेंगे लेकिन नहीं अब हमें इस बात पर नहीं रहना कि ये सारी जैसे कश्मीर है वो इन सबको सर्वाइव कर लेगा हमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है द फर्स्ट इज़ दैट अब यहाँ पर ऑथर ने कुछ मिथ्स बर्स्ट किए हैं जैसे ये सोचा जाता था फर्स्ट इज दैट द इंटरनल कन्फ्लिक्स इन ईच ऑफ द स्टेट वुड नॉट रेडिकली स्पिल ओवर इंटू अनदर स्टेट्स ये माना जाता था कि एक जगह कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स दूसरे कंट्री में नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता ये एजम्शन पूरा फॉल्स है जैसे कि नाइनटीन सेवेंटी वन में जब पाकिस्तान के हॉरेंडस इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा था फिर बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ और जब बांग्लादेश नया स्टेट बना तो बेसिकली इन सब में इंडिया भी तो इन्वॉल्व हो ही गया था तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स इंडिया में भी देखने को मिले इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे तो बट इट वॉज शेकन टू इट्स कोर बाई नाइनटीन सेवन वन पाकिस्तान हॉरेंडस इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्पिल्ड ओवर एंड इंडियन इंटरवेंशन हेल्प द ब्रेकिंग वर्क ऑफ पाकिस्तान तो बांग्लादेश के हमने जब बांग्लादेश बना तो उसमें इंडिया का ही सबसे ज़्यादा हाथ था क्रिएटिंग अ सिंड्रोम ऑफ डी पाकिस्तानी इनसिक्योरिटी उसके बाद पाकिस्तान को एक इनसिक्योरिटी होगी जिसकी वजह से वो हमेशा एक सब कॉन्टीनेंट को हॉन्ट करने की कोशिश करता है उसके यहाँ से जम को एक्सपोर्ट करता है सेकेंड एसमशन ये था कि एक बार सक्सेसर स्टेट्स बन गए फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जो ट्रेड लिंक्स है उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है ठीक से बैठ के बात की जा सकती है ऑन द टेबल नॉर्मल स्टेट्स नॉर्मल रिलेशन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं लेकिन उसके बाद नॉर्मल रिलेशन भी इस्टैब्लिश नहीं हुआ ऐसा माना जाता था कि एक बार जब बांग्लादेश बन जाएगा तो यहाँ पर जो वॉयलेंस है उसको पेसीफाई करने की कोशिश की जाएगी एक दूसरे से ट्रेड बढ़ेगा पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड तो कब से बंद है लेकिन वो भी नहीं हुआ यहाँ पर जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से तो दूर भागें इन पाकिस्तान वी गॉट अ स्टेट हुज एल्स वर रेडी टू कट ऑफ इट्स नोज टू स्पाइट इट्स फेस बिकमिंग एन एपी सेंटर ऑफ ट्रांसनेशनल वॉयेंस फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो तो फेस बन गया ट्रांसनेशनल वॉयलेंस का अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान तो यहाँ तो पाकिस्तान की तो हर जगह ट्रांसनेशनल लिंक है अब हम आगे चलते हैं अब जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे बांग्लादेश के तो वो सिर्फ रिटेलीरिटी वॉयलेंस में नहीं होंगे कि हाँ वहाँ पर वॉयलेंस हुआ तो यहाँ पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट वॉयलेंस होगी ऐसा नहीं होगा बल्कि इसका आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट पर भी फ़र्क पड़ेगा अब आइडोलॉजिकल क्लाइमेट पर कैसे फ़र्क पड़ेगा ये बात जानने वाली है जब यहाँ पर पर्जीक्यूशन होता है हिंदूज का पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदू का पोजीक्यूशन होता है तो इंडिया सेकुलर है लेकिन इंडिया वाले लोग भी सोचेंगे जब हर जगह यहाँ पर हिंदूज का पर्जीक्यूशन हो रहा है तो हम भले ही इंडिया को हिंदू स्टेट नाम बनाए लेकिन हिंदूज फर्स्ट स्टेट तो बना सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें इंडिया को इन सारी बातों के अगेंस्ट यहां पर एक्ट करना और जो हमारे सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है हमें उन्हें वापस से कंफर्म करने की जरूरत है तो इंडिया कुड अ बुलवर्क अगेंस्ट दीज इफेक्ट्स इन अ अस टू कम्युनलिज्म एल्सवेयर इट इट्स ओन सेकुलरिज्म मोर डीपली तो यहां पर अपने हमें सेकुलरिज्म को मोर डीपली रियफर्म करने की जरूरत है अब इसके बाद द ऑफिशियल रिस्पॉन्स अब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल रिस्पांस दिया कंडेम किया एक्ट्स को बट दिस इंसिडेंट विल हैव डीप कम्युनल इफेक्ट्स तो इसके डीप कम्युनल इफेक्ट्स तो होंगे भले ही अभी रिटेलियटी वॉयलेंस तो इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन टवि कम्यूनल अंडरटोन इंडिया में एरप्ट होंगे होंगे विच इज एक्जैक्टली वॉट दो ग्रुप्स विल फॉरेंट वॉयस एन अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश वोट लाइक तो ये जो ग्रुप्स हैं जमात इस्लामी जैसे वो यही चाहते हैं कि हर जगह हम कम्यूनल लाइन्स को एक्सप्लाइट करें दस विल ओवर इफेक्ट्स कंट भी कंटेंट बिकॉज डिस्पाइड डिफ्रेंस इन पोलिटिकल कल्चर्स एथनिक फंडामेंटलिज्म जो ये एथनिक फंडामेंटलिज्म है कंट्रीज़ का वो अब इन्हीं सारी बातों पर फीड ऑफ करते हैं कि यहाँ पर जो कम्यूनिटीज़ हैं उनमें फॉल्ट लाइन हैं तो वो इसी का यूज़ करना चाहता है और अपने एजेंडा को यहाँ पर फुलफिल करना चाहता है जो साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स है वो कन्वेंशनल इंड इंटरनेशनल रिलेशन वाली नहीं है ये बहुत ही डीप और फिर आपको बताइए कि कैसे रिलेशन रहे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के और जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन भी कितना ज़्यादा हॉरस हुआ है अब यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर फंडामेंटलिज्म है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे हम कम्युनल फ्रंट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करें तो अटेम्प एट अ डीप टिंक कम्यूनल डिवाइड तो वो कम्युनल डिवाइड को और ज़्यादा डीप करने की कोशिश करें इतनी क्लिनिंग करने की कोशिश करें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है जो साउथ एशिया है वो री इमेजन करें इस रीजन को तो इस रीजन को जैसे री इमेजन कर रखा है उसको छोड़ कर एक नए तरीके से री इमेजन करें जहाँ पर हम मर्डर एक दूसरे को कॉम्पिटिटर ना बने बल्कि एक कम्युनिटी आइडेंटिटी की तरह बात करें बट एज अ न्यू जोन ऑफ़ फ्रीडम तो यहाँ पर न्यू जोन ऑफ फ्रीडम को बनाने की ज़रूरत है हम अपनी कम्युनल आइडेंटिटी से ऊपर उठ कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी से ऊपर उठ कर रहे हैं आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो एक बार मैं इसकी समरी बता देती हूँ तो सबसे पहले हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो वॉयलेंस हो रहा है तो लगभग छत्तीस सौ वॉयलेंस इंसिडेंट्स देखे गए हैं दो हज़ार तेरह से जो हिंदू पॉपुलेशन तैंतीस परसेंट हुआ करती थी वो सिर्फ अब दस परसेंट रह गई बांग्लादेश में तो अब इसमें से कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई होगी लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स की तरह इंडिया में आ चुके होंगे जो एंटी हिंदू वॉयलेंस है बांग्लादेश में वो वो नया नहीं है और इसके स्पिलओवर ओवर इफेक्ट्स इंडिया में भी देखने को मिलेंगे मिलेंगे अब यहाँ पर इसका सिर्फ़ रिटेलिएटरी वॉयलेंस इसका नहीं होगा कि इंडिया में वॉयलेंस हो गया उसके अगेंस्ट जैसे बांग्लादेश में वॉयलेंस हो रहा है नहीं आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट पर भी फर्क पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब जो इंडियंस से वो भी कोशिश करेंगे कि अगर हम हिंदू स्टेट नहीं बना सकते तो हम भी हिंदूज फर्स्ट स्टेट बनाएं क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर हिंदू मायनॉटी के साथ बुरा किया जाता है उनके अगेंस्ट यहाँ पर वॉलेंस किया जा रहा है बांग्लादेश में किया जा रहा है तो यहाँ पर जो इंडिया में मजारिटी वाले लोग हैं वो यही सोचेंगे कि इंडिया में भी हम हिंदूज फर्स्ट वाली प्रायोरिटी रखें तो इससे हमें लड़ना है हमें अपने सेकुलरिज्म के क्रीडेंशियल्स को और ज़्यादा रिफर्म करने की जरूरत है और जो साउथ एशिया की ये जो हिस्ट्री है वो ऐसी रही है कि यहाँ पर एक दूसरे के जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बने हुए बैठे हैं वॉयेंस को पैसे करने की कोशिश नहीं करते इसके अलावा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते एक साथ बैठ के बात करने की कोशिश नहीं करते हैं दो हज़ार सोलह से इंडिया पाकिस्तान ने दो एक साथ बैठ के बात नहीं की अभी हमारे एन एस ए ने अफगानिस्तान के ऊपर जब यहाँ पर डिस्कशन होगा तो यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर इन्विटेशन भेजा वो भी इन्विटेशन एक्सेप्ट करें या ना करें तो यहाँ पर आपस में कंट्रीज बात तक नहीं कर रहे हैं तो वॉयलेंस को पेसिफाई करना तो बहुत दूर की बात है तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जो साउथ एशिया है जो यहाँ पर स्टेट्स हैं साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये कोशिश करें कि एक न्यू जोन ऑफ फ्रीडम बनाने की कोशिश करें अगर ये सल्यूशन नहीं होगा तो फिर ये जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं ये जानबूझ जो कम्यूनल फॉल्ट लाइन्स है इसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे आपको मैंने नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बताया था लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का जो ऑफिशियल नाम है वो है सिवर्जेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसिस तो ये दिस ईयर सिवर्जेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसिस द नोबल प्राइज तो ये दिया गया डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड को दिया गया क्योंकि उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स को लेकर काम किया इसके अलावा जोशुआ और ग्यूडो को दिया गया क्योंकि उन्होंने कॉजल रिलेशनशिप के नए मैथ निकाले ठीक है तो अब आपको नाम पता होने चाहिए और किस फील्ड में किया तो नाम भले ही ना याद रहे पर आपको फील्ड पता होनी चाहिए किस फील्ड में क्या काम किया तो लेबर इकोनॉमिक्स में काम किया गया है और कॉजल रिलेशनशिप में काम किया गया है अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ थी उनको ज़्यादा क्रेडिबल नहीं माना जाता था वो इसीलिए क्रेडिबल नहीं माना जाता था क्योंकि एविडेंस की कमी होती थी अब जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हर जगह नहीं किए जा सकते फॉर एग्जाम्पल एविडेंस बेस्ड अप्रोच के लिए अंडरस्टैंडिंग द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स देफो बिगम्स इम्पेरेटिव अब क्लासिकल एग्जाम्पल कॉजल रिलेशनशिप का ये है कि हम देखना चाहते हैं कि एक चीज़ की वजह से दो दूसरी चीज़ हो रही अब देखिए दो बात होती है एक होता है कॉजल एक होता है को रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है कॉजल का मतलब ये होता है कि एक के कॉज की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है तो कोरिलेशन में मतलब दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं वो एक की वजह से दूसरा हो रहा है लेकिन कॉजल में एक की वजह से दूसरा हो रहा होता है तो यहाँ पर कॉजल रिलेशनशिप की बात की गई इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन और लाइफ टाइम अर्निंग्स क्या कोई इंसान अगर एक साल की ज़्यादा एजुकेशन लेता है तो क्या उसकी अर्निंग्स बढ़ जाती है तो अब इसकी स्टडी के लिए यहाँ पर रेंडामाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं किया जा सकता रेंडामाइज कंट्रोल ट्रायल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर आप एक ग्रुप को एक साल कम पढ़ाओगे तो ये तो एथिकली गलत हो गया ये तो एथिकल रॉन्ग हो गया तो ये तो नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई नेचुरल एक्सपेरिमेंट कर सकें अब यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ विनर है इससे पहले वाले सालों के जैसे कि अभिजीत बनर्जी और एस्टर्ड डफ्लो उन्होंने रेंडामाइज कंट्रोल ट्रायल किया था तो वो रेंडामाइज कंट्रोल ट्रायल उन्होंने किया था उन लोगों पर ये चेक करने के लिए कि अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे और इसके अलावा अगर हम इंसेंटिवस देंगे तो क्या टीचर एप्सटिजम को कंट्रोल किया जा सकता है जो टीचर्स बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं क्या उसको कम किया जा सकता है तो यहाँ पर रेंडेमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जा सकता है लेकिन ये चेक करना कि एजुकेशन अगर एक साल ज़्यादा दी जाएगी और कुछ लोगों को कम दी जाएगी तो ये तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है तो बहुत ही चैलेंजिंग है फील्ड एक्सपेरिमेंट करना बहुत सारे केसेस में तो यहाँ पर जरूरत है नेचुरल एक्सपेरिमेंट करने की तो यहाँ पर इन इकोनॉमिट ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया कैसे तो जब न्यू जर्सी में वेजेस बढ़ाए गए मिनिमम वेज बढ़ाए गए और फिर उसको इन्होंने कंपेयर किया पेंसिल्वेनिया से क्योंकि पेंसिल्वेनिया में वेजेस नहीं बढ़ाए गए थे तब इनको ये बात पता चली कि वेजेस बढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि जब वेजेस बढ़ाए जाते तो नौकरियां चली जाती हैं तो इन्होंने पता चला नहीं वेजेस बढ़ाने से नौकरियां नहीं जाती हैं तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉजल रिलेशनशिप लेकर आए थे ये तो कार्ड एंड एलन डिजाइन देयर दे फेमस नेचुरल एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द मिनिमम वेज इन न्यू जर्सी एंड इट विद पेंसिल्वेनिया विच हैज नॉट सिमिलर चेंजेस तो इन्होंने फास्ट फूड चेन को स्टडी किया और इन्होंने ये पता किया कंट्रेरी टू द प्रडिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी दे फाउंड अ स्लाइट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो उन्होंने देखा कि न्यू जर्सी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कहीं अगर मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए जाएंगे तो जो इंडस्ट्री होंगी वो कोशिश करेंगी कि वो उस जगह पर बिजनेस करें जहां पर मिनिमम वेजेस कम है लेकिन इनकी स्टडी से ये पता चला कि ऐसा नहीं होता न्यू जर्सी में जहाँ पर वेजेस बढ़ाए गए वहाँ पर इंप्लायमेंट में इंक्रीज देखा गया एज कम्पेयर टू पेंसिल्वेनिया द स्टडी ऑफ कॉजेलिटी इज़ नॉट नोबल टू द रिसर्च कम्युनिटी अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉजेलिटी और कोरिलेशन रिलेशन दो अलग बातें होती हैं तो कॉजेलिटी इज नो कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो इवेंट साथ में हो रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है एक की वजह से दूसरा हो रहा है इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स होती है वो सिर्फ प्योरली इकोनॉमिकल नहीं होती वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स एंड मार्केट तो यहाँ पर ऑथर ने दो स्कीम्स की बात की है एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तो ये एजम्पन है जनरल एजम्पन ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स होंगे तो फार्म और ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ेगी जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस होगी लेकिन रीसेंट स्टडी की गई जिसकी वजह से यह पता चला ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से ऐसा नहीं होता सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है लेकिन पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होती है वेल सच प्रोग्राम्स इंक्रीज रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी दे डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है तो जरूरत है कि एग्जामिन करें हम कि ऐसे इंटरवेंशन से डेवलपमेंट हो रहा है कितने एक्सटेंट तक ये वेलफेयर लाते हैं और कितने एक्सटेंट तक ये फेल होते हैं तो ये सारी स्टडी करने की जरूरत है अब यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि चाइना एक ड्राफ्ट लॉ लेकर आया है जिसमें ये अगर कोई बच्चा गलत बिहेवियर करता है तो उसके लिए पेरेंट्स को पनिश किया जाएगा उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो यहां पर बेसिकली चाइना ये कहना चाह रहा है जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है ही नहीं यहां पर जो चाइना कम्युनिज्म की बात करता है कि हम कम्युनिस्ट हैं तो कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने बेसिकली ये बात की थी कि सोशल बींग की एक कॉन्शियसनेस होती है तो इस जो चाइना है वो इस लॉ के थ्रू ये प्रूफ करना चाह रहा है कि सोशल बींग की कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती आप जैसे चाहो वैसे आप जैसे चाहो वैसे वो बिहेव करे तो पर इन अ कंजर्वेटिव ऑथोरिटेरियन सोसाइटी पनिशिंग पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रंस मिसडीड्स इज द ओनली वे फॉर एन ऑल पावरफुल स्टेट इज टू फोर्स इट्स विन टू द फैमिलियल डायलेक्टिक तो यहाँ पर चाइना कैसे फैमिलियल डायलेक्टिक में खुजने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा इंडिविजुअल्स इसीलिए तो अलग होते हैं वो इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है वो सोच सकते हैं वो किसी चीज़ को मीनिंग मोटिव दे सकते हैं द प्रपोज़ लॉ इज़ जस्ट द लेटेस्ट इन सीज ऑफ इंटरवेंशन तो यहाँ पर बेसिकली चाइना इंटरवेंशन कर रहा फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दी गई इसके अलावा उसने अपने यंग मैन को अर्ज किया कि आपको लेस फेमिनट होने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना का मानना यह है जो साउथ कोरियन के पॉप स्टार्स हैं उनकी वजह से जो उनके यहाँ के मेल हैं वो फेमिनन होते जा रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रपोजल लाया है प्रोपोजल टू प्रिवेंट द दाइजेशन ऑफ मेल एडोलोसेंट तो बीइंग एन एडोलोसेंट इज हार्ड इनफ बट इन चाइना इट लुक्स लाइक एंड हार्ड टाइम ऑफ इट देन मोस्ट आगे हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं द फॉरन पॉलिसी रीसेट अब यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर हमारे यहाँ ऐसी मीटिंग करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे कंट्रीज को इनवाइट किया गया है तो इन डीड इज़ द कॉन्फ्रेंस गोइंग टू बी अबाउट अफगानिस्तान अभी कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के बारे में होने वाली है ये चाइना और पाकिस्तान के साथ हम अपने रिलेशन रीसेट करने वाले हैं क्योंकि हमने चाइना और पाकिस्तान को भी इविटेशन भेजा है तो ये सारी तो देखने वाली बात है अब ये भी नहीं क्लियर है कि हम तालिबान को यहाँ पर इनवाइट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे अब हम अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और शायद तालिबान को ही हम यहाँ पर इनवाइट ना करें ये भी हो सकता है एक दैट ब्रिंग्स अस टू द बिग क्वेश्चन जो हमारी अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी थी वेट एंड वॉच पॉलिसी की तो क्या हमने उसको लेकर चेंजेस कर लिए हैं तो ये देखने वाली बात है टू कनेक्ट द इंसिप्लेंट साइंस सोफॉर इंडिया हैज़ ऑप्टेड टू अलाइन विद द एंग्लो अमेरिकन मैप तो जो इंडिया है वो एंग्लो अमेरिकन कैंप की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सेज ऑफ रशिया चाइना एंड ईरान तो अफगानिस्तान को लेकर हम कौन से कैंप की तरफ हैं तो हम ज्यादा हैं एंग्लो अमेरिकन कैंप की तरफ एज़ कम्पेयर टू रशिया चाइना एंड ईरान अब यू एस का एक एटीट्यूड है यू आर आईदर विद या तो आप यूएस के साइड हो या तो उसके अगेंस्ट हो आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप रशिया से भी बात कर रहे हो इसके साथ लेकर और यहाँ पर यूएस के साथ भी बात करो लेकिन अगर आप रशिया के फॉर्मेट में चले गए तो इसका मतलब ये कि आप अगेंस्ट द यूएस हो गए इसके अलावा यहाँ पर जो ये कंट्रीज है रशिया चाइना ईरान ये प्राइमेसी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो इसलिए वो जो काबुल में अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं बींग अ डिसकन्टेंडेड पार्टी जो इंडिया है वो बेसिकली अफगानिस्तान में डिसकन्टेंडेड पार्टी है लेकिन अगर देखो तो वो ज़्यादातर यू और यू के कैंप में है ऑन its part डेली इज डिस्प्लेड इट्स कम्फर्ट लेवल इन नो अनमिस्टेक इन टर्म्स अब यहाँ पर ऑकस डील हुई ऑकसा ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस की डील हुई है जिसमें जो यू के और यू एस है वो न्यूक्लियर सम्मरीन प्रोवाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया को इसके अलावा जो ई यू और नेटो है इनका मेन प्रिंसिपल ये है कि ये कैसे चाइना और रशिया को कंटेन कर सकते हैं जो इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है ये दोनों मिलकर कंटेन करते हैं जो भी दूसरी पार्टी होती है उसको अब इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब यहाँ पर जो रशिया है वो हमें मॉस्को फॉर्मेट में आप इंक्लूड करें ना करें इसके अलावा ट्रॉयका प्लस में इंक्लूड करें ना करें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि जो हमारा कैंप है वो यूएस यू के वाला है अब इसके अलावा जो डेली है श्योर शोर शोल्डर्स एज ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड अब मॉस्को ने कॉड को बीमोन कर दिया इसके अलावा ऑकस को बीमोन कर दिया और रशिया का ये कहना जो कॉड और ऑकस है वो कोशिश की जा रही है कि कैसे जो इंटरस्टेट इंट्रैक्शन है उसको कम किया जाए अब यहाँ पर रशिया का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर जो इंडिया है ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बनके इंटरस्टेट इंट्रैक्शन को अंडरमाइन कर रहा है अब यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि जो फंडामेंटल थीम है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल थीम होता है वो ये होता है कि हम कैसे चाइना को यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो इस बात से डिटामाइन होती है कि हमें चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया लिवस इन इट्स रीजन एंड द कॉड इन ऑकस आर ऑफ़ नो हेल्प वन इट कम्स टू अफगानिस्तान तो ऑकस और कॉर्ड है इंडो पैसिफिक के लिए है लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की जब बात आती है तो ये दोनों ग्रुप्स इसके लिए यूजफुल नहीं है पाकिस्तान और चाइना आर राइडिंग हाई इन द हिंदू कोश इसके अलावा मॉस्को एंड बेजिंग हैव करेक्ट ए मैगनॉट लाइन इन द सेंट्रल एशिया अब डेली इज़ मच इन्फ्लुएंस तो डॉँ पर माना जाता कि डेली की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी काबुल में बीस साल तक हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वो सिर्फ़ एक डिसल्यूजन द डिल्यूजनल तक कोई भी हमारी वहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है जब से तालिबान आया हमें वहाँ पर अपनी एम्बेसी तक बंद करनी पड़ गई अब मेन वेल अनदर क्रूशल फैक्टर हैज़ अपीयर द इम्पैक्ट ऑफ एसिडेंस अब यहाँ पर बताया गया कि कैसे हमारे पास के स्टेट्स में एंटी हिंदू वॉयलेंस हो रहा है तो पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडियाज इमीडिएट नहीं भरू दिस इफेक्ट्स इंडियाज इंटरनल डायनेमिक्स उसकी वजह से इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स भी इफेक्ट हो रही है अब पाकिस्तान में पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हमने भेजा है इन्विटेशन अब वो एक्सेप्ट करें ना करें तो उनके दोनों बातें कि वो एक्सेप्ट कर भी सकते नहीं भी कर सकते अगर उन्होंने कर लिया तो लोग बोलेंगे उनके पाकिस्तानीज़ बोलेंगे कि आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया यहाँ तो कश्मीर का थ्री सेवेंटी आर्टिकल हटा दिया गया था अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया को ऐसा लगेगा कि इंडिया ने यहाँ पर बात करने की कोशिश की पाकिस्तान से लेकिन पाकिस्तान ने हमसे बात नहीं की अब यहाँ पर मेनली बात यही है कि हमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर सेंटर स्टेज लेकर हम अफगानिस्तान में सेंटर स्टेज लेने की कोशिश करें तो इट मेक्स एमिनेंट सेंस दट डोवाल विल बी चेयरिंग द कॉन्फ्रेंस फॉर डोवाल द स्टर्निंग सेट बैक इन अफगानिस्तान ऑट टू बी टेम्प्ररी तो यहाँ पर अफगानिस्तान में जो हमारा सेटबैक है वो टेंप्ररी है लेकिन हम वापस अपनी वेट एंड वॉच पॉलिसी से हट के कैसे हम रीसेट कर सकते हैं अपनी फॉरन पॉलिसी आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ गया अब हम आगे चलते हैं बार एंड अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल कर डिस्कस करेंगे बार एंड बायस तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह बात बोली थी कि फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन वीमन का होना चाहिए जुडिशियरी में क्योंकि वेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा कम है अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो विधि सर्व विधि सर्वे कंडक्टेड इन 2020 तो इसमें यह पता चला था जो वुमेन है लिटिगेशन में वो केरला में सबसे ज़्यादा है वो भी सिर्फ 28 परसेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर सिर्फ 28 परसेंट है उसके बाद मद्रास में 10 परसेंट डेली में 22 परसेंट बॉम्बे में इक्कीस परसेंट तो हमें यह पता चलता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा कम है बार्स में लगभग बहुत ज़्यादा कम है जस्टिस डी वाई चंद्रचूर तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूर ने दो हज़ार की स्पीच में ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के अगर एडवोकेट्स देखो तो सिर्फ पांच एडवोकेट्स हैं 294 नाइन्टी सीनियर एडवोकेट्स में तो सिर्फ पांच एडवोकेट वहाँ पर महिलाएं हैं अगर कॉरपोरेट ऑफिस में देखो तो वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी बढ़ी है लेकिन जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर कोर्ट रूम में नहीं बढ़ी है तो ऐसा क्या है कि कोर्ट रूम में जेंडर इक्वालिटी नहीं बढ़ी है बल्कि कॉरपोरेट ऑफिस में बढ़ी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पे स्किल फॉर अमेन प्रेशर एंट्रिंग कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ पे स्किल वुड बी डिसाइडेड तो अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होता है तो उसमें जो पे स्केल है वो इस बात पर डिसाइड किया जाता है कि मेल का पे स्केल कितना है लेकिन अगर जब तक यहाँ पर बात आती है कोर्ट रूम्स में जो बेसिकली uh, यहाँ पर एडवोकेट्स होते हैं तो उनका पे स्केल ऐसे नहीं डिसाइड होता है देयपोर विद नो लॉ गवर्निंग द पे स्केल पेश तो कोई लॉ ही नहीं है यहाँ पर बर्थ में जो कि डिसाइड करेगी क्या पे स्केल होना चाहिए जिसकी वजह से जो वुमेन लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हमेशा कम पैसे मिलते हैं तो देयर फॉर नो लॉ गवर्निंग द पे स्केल इंडिपेंडेंट वुमेन लीगल प्रैक्टिशनर्स और स्ट्रॉन्ग आर्म टू एक्सेप्टिंग अ मच लोअर रेम्यूनोरेशन तो यहाँ पर बेसिकली कोई पे स्केल ही नहीं डिसाइड किया गया जिसकी वजह से जो वुमेन लॉयर्स हैं उनको कम रिम्यूनोरेशन मिलता है तो फिर ये जो प्रोफेशन है इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना दूसरी बात ये कि ये जो लिटिगेशन का काम होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल आप घर में बैठ के काम कर सकते हो आपको जरूरी नहीं है कोर्ट रूम में डेली आना तो जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो जो ये करियर होता है इसको बहुत ट्रिविलाइज़ कर दिया जाता है तो इस ट्रिविलाइजेशन की वजह से एक फ्लैक्सीबिलिटी मान ली जाती है जिसकी वजह से वेमेन जो है वो इस स्पेस से और ज़्यादा बाहर चली जाती हैं फॉर एग्जाम्पल आप दस दिन घर पर आओ तो दूसरा इंसान कहता है कि ये तो कोई काम करता ही नहीं है तो ऐसा देखा जाता है तो दे आर रेयरली सीन इन द कोर्ट रूम्स एंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड फर्दर ऐसा माना जाता है जो वेमेन है वो मीडिएशन का काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैंडल नहीं कर सकती हैं तो फर्दर वैल देयर इज रिजर्वेशन फॉर वेमेन अक्रॉस सेवरल पब्लिक ऑफिसेज इसके अलावा जो वेमेन का रिजर्वेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है तो गवर्नमेंट प्लीडर में वेमेन का कोई रिजर्वेशन नहीं है इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर में वेमेन का कोई रिजर्वेशन नहीं इसकी वजह से जो वेन पब्लिक वेमेन गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है पे स्केल कोई भी डिफाइन नहीं है इसके अलावा वेमन को काफ़ी कम रेमरेशन दिया जाता है नेक्स्ट बात ये कि कोई भी क्रच फैसिलिटी नहीं है शिशु गृह नहीं है कि अगर कोई वुमेन है मदर है वो अपने बच्चे को लेकर आना चाहती है तो वहाँ पर कोई क्रच फैसिलिटी नहीं जहाँ पर वो अपने बच्चे को रख सकती है दूसरे बात रेस्ट रूम्स अनयूजेबल रेस्ट रूम मतलब रेस्ट रूम्स जो हैं उनकी क्लीनिंग नहीं होती होगी नॉन रिकगनीशन ऑफ मेटर्नटी लीव्स इसके अलावा मेटरनेटी लीव्स को रिकोगनाइज़ज़ नहीं किया जाता तो इनकी वजह से और जो वुमेन है वो लिटिगेशन के प्रोफेशन में नहीं आना चाहती इसके अलावा वुमेन को ये माना गया है कि जो वुमेन है वो फैमिली लॉ को प्रैक्टिस कर सकती है तो वुमेन्स राइट लॉ को प्रैक्टिस कर सकती है वो कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल नहीं कर सकती है। इनका ये कहना है जो वेमन है वो ज्यादा केयर ओरिएंटेड लॉयर्स बन सकती हैं इमोशनल स्टैंड पॉइंट उनका ज़्यादा होता है टू फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट वुमेन डू नॉट बिलोंग इन द हाईली रिम्यूरेटिव कमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्पेस तो अब ये बन गया कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट हैंडल करना है, तो यहां पर जो मेल लॉयर्स होंगे वही हैंडल करेंगे जो वुमेन है उनका केयर ओरिएंटेड लॉयर्स ही वो बन सकती हैं फैमिली लॉ को हैंडल कर सकती हैं लेकिन यहां पर कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल नहीं कर सकती हैं इसके अलावा जो थर्टी अंदर थर्टी की लिस्ट है उसमें ज़्यादातर कमर्शियल लिटिगेटर्स जो होती हैं उनको वुमेन को उस लिस्ट में लाया ही नहीं जाता तो अगर वुमेन कोई कमर्शियल लिटिगेशन करती है और वुमेन बहुत अच्छे से करती है जीतती है लेकिन वो अगर आप नहीं शो करते हो तो यहाँ पर जो लोगों की मैंटेलिटी वो तो यही बनेंगी ना जो वुमेन है वो सिर्फ फैमिली लॉ के अगेंस्ट ही लड़ सकती है तो वुमेन्स लॉ के अगेंस्ट ही काम कर सकती है तो देर ऑफन वेमेन हुव फॉट फॉर वुमेन्स राइट और वुमेन एंड कॉर्पोरेट लॉ ऑफिस तो यहाँ पर जरूरत है कि जो वुमेन कमर्शियल लिटिगेशन करती है उसको भी आप उतना ही उजागर करो ताकि जो स्टेरोटाइप है कि जो वेमेन है वो सिर्फ फैमिली लॉ के अगेंस्ट ही काम कर सकती है तो मीडिएशन का ही काम कर सकती है ऐसा यहाँ पर स्टेयरटाइप ना बने तो मीडिया हाउस को फीचर करने की जरूरत है कमर्शियल इटिकेशन स्पेस में जो वुमेन ने काम किया उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है इसके अलावा ज़्यादातर वैमेन को बेंच में एलिवेट करने की जरूरत है फैसिलिटीज़ वैमन को इंप्रूव करने की जरूरत है क्रच फैसिलिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है रेस्ट रूम्स इंप्रूव करने की जरूरत है तो भले ही हम एक स्टेप लें लेकिन जरूरी है कि हम लगातार स्टेप्स लेते रहें अब यहाँ पर मॉस्को फॉर्मेट में बात की गई जिसमें यह बोला गया कि तालिबान को हम एड तो देंगे लेकिन अभी रिकॉग्निशन नहीं देंगे तो विद द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान फॉलोइंग द यू एस क्योटिक ट्रू विड्रॉल एनालिस से रशिया हैज़ कंसर्न्स अबाउट इनस्टेबिलिटी अब रशिया को कंसर्न है कि यहाँ पर अगर हमने तालिबान को यहाँ पर एड नहीं दी तो उसकी वजह से रशिया के इंटरेस्ट को डैमेज हो सकता है क्योंकि रशिया पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिटेंट्स जो इस्लाम के मिलिटेंट्स है वो क्या कर सकते हैं जो पहले फॉर्मर सोवियत यूनियन के स्टेट्स थे वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से फाइनली रशिया हर्ट हो सकता है तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है रशिया के द्वारा कि यहाँ पर हम इंटरनेशनल एड प्रोवाइड करें अफगानिस्तान को भली उनको रिकॉग्निशन ना दे तो रशिया चाइना एंड पाकिस्तान और विलिंग टू प्रोवाइड एड टू अफगानिस्तान तो, तो रशिया चाइना पाकिस्तान विलेंगे कि अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड करें और अभी तक उनने उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया कि वो तालिबान को रिकग्नाइज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं वो इस बात के बाद डिसीजन करेंगे कि वो तालिबान को रिकॉगनाइज करने वाले नहीं करने वाले हैं जब तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो तालिबान जैसे बात करता है कि वो पॉलिटिकल और एथनिक इंक्लूसिविटी की बात करता है तो हज़ार उसको भी उसमें रखे इसके अलावा हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन दें उसके बाद ही वो इंटरनेशनल यहाँ पर रिकोगनाइज़ज़ज़ करेंगे दूसरी बात बांग्लादेश में जो वॉयेंस हो रहा है तो द तो फॉरेन मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट एंड डोमेस्टिक एलिमेंट्स दैट अपोज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम तो पाकिस्तान फिफ्टी ईर्यरस अगो तो वो टॉक्सिक नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा जो बांग्लादेश में वायलेंस हुआ वो बेसिकली फेक न्यूज़ की वजह से हुआ है तो जो फेक न्यूज़ है उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ये आपको पता होने चाहिए तो हिंदूज लगभग दस परसेंट पॉपुलेशन है अब यहाँ पर जो बांग्लादेश है बांग्लादेश का इस्लाम स्टेट रिलीजन है लेकिन वो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है तो यहाँ पर बांग्लादेश का भी स्टेट रिलीजन है आपको पता होनी चाहिए आगे हम चलते हैं अब यहाँ पर तालिबान ने यह प्रॉमिस किया है कि जिन्होंने भी तालिबान के लिए सुसाइड बॉम्बर्स का काम किया है उसको वो कैश देंगे और एक प्लॉट ऑफ लैंड देंगे तो बेसिकली अब इनको इंटरनेशनल रिकॉन्ग्निशन मिलने वाली नहीं है अगर ये ऐसे ही स्टेप्स लेते रहें तो द तो तालिबान हैव प्रॉमिस प्लॉट्स ऑफ लैंड टू रिलेटिव ऑफ़ सुसाइड बॉम्बर्स तो सुसाइड तो बॉम्बर्स के जो भी रिलेटिव हैं उनको ये प्लॉट ऑफ लैंड देंगे इसके अलावा जिन्होंने अटैक किया यूएस और अफगान सोल्जर्स को तो उनको बेसिकली प्लॉट ऑफ लैंड देंगे तो इनके हिसाब से जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं वो मार्टेर्ट्स हैं अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट निकाली आई ने तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट से ये पता चला है जो रिकवरी तो हो रही है लेकिन रिकवरी उस पेज से नहीं हो रही जिस पेज से होनी चाहिए थी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से जो इकॉनमी है वो इस पेज से रिकवर नहीं हो रही है और इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि 2024 तक 2022 तक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी तो प्री पैंडमिक लेवल पर आ जाएगी लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं आ पाएगी एक्सक्लूडिंग चाइना तो चाइना की जो प्री पैंड लेवल तक तो उनकी उसकी इकानमी आ जाएगी लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज़ की नहीं आ पाएगी अब ये क्यों देखा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज़ की इकानमी आ जाएगी प्री पैंडमिक लेवल तक पर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की नहीं आ पाएगी वो मेनली वैक्सीन एक्सेस की डिस्पैरिटीज़ की वजह से और दूसरी बात पॉलिसी सपोर्ट में डिफ्रेंसेज की वजह से जो इम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल्स पर ही है प्री पेंडेमिक लेवल से कम ही है अब इंडिया के बारे में क्या बातें बोलेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंडिया की रिकवरी के बारे में बोला गया जो इंडिया की रिकवरी वो के शेप्ड है के शेप्ड के रिकवरी का मतलब ये होता है जो के की ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स में तो रिकवरी हुई है लेकिन नीचे वाली लाइन ये देखाते कि कुछ सेक्टर्स में रिकवरी नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल जो आईटी सेक्टर है वहाँ पर रिकवरी हुई ई कॉमर्स सेक्टर में रिकवरी हुई है लेकिन जो केयर बेस्ड सेक्टर है वहाँ पर रिकवरी नहीं हुई है बट एट द सेम टाइम मेनी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज विच कैन क्रिएट मेनी मोर जॉब्स आर नॉट सिमिलर सीइंग अ बाउंस बैक तो के का मतलब यही होता है कि कुछ सेक्टर्स में रिकवरी हुई है लेकिन कुछ सेक्टर्स में रिकवरी नहीं हुई है इसके अलावा जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो वापस अपनी जॉब पर नहीं जा पाए हैं लास्ट वीक आई एम एफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ पॉइंटेड आउट दैट द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द महान अभी जो मनरेगा के बेनिफिट उठा रहे हैं वो लगभग पचास से साठ परसेंट लोग अब प्री पेंडेमिक लेवल इसका ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो लोग वापस उन शहरों में जाकर उन्होंने अपना काम करना शुरू नहीं किया वो अभी तक मनरेगा पर ही डिपेंडेंट है अब यहाँ पर निहांग्स कौन होते हैं तो निहांग इज एन ऑर्डर ऑफ द सिख वॉरियर्स तो सिख वॉरियर का ऑर्डर होता है जो ब्लू रोप्स पहनते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं ब्लू रोप्स पहना हुआ है अब इसका क्रिएशन ट्रेस किया जाता है गुरु गोबिंद सिंह क्रिएशन ऑफ द खालसा भाई गुरु गोविंद सिंह तो गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा का क्रिएशन किया था तब यहाँ पर निहांग को वहाँ से ओरिजिनेट ओरिजिनेशन लिंक किया जाता है अब निहांग का मतलब पर्शियन में तो एलिगेटर या सोड या पेन होता है लेकिन यहाँ पर जो निहांग का मतलब वो संस्कृत वर्जन से ज़्यादा लिया गया जिसका मतलब होता है निशंक निशंक का मतलब होता है जिस इंसान के अंदर बिल्कुल डर नहीं अनब्लैमिश बिल्कुल प्योर केयर फ्री इन डिफरेंट टू वर्ल्डली गेंस एंड कम्फर्ट तो ये मतलब होता है निहांग का अब इसमें बहुत सारे फैक्शन हैं बाबा बुद्धा दल तरना दल बाबा बिदी चांद दल अब लिंचिंग को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं बोल रही क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर नहंग के साथ कन्फ्रट्रेशन में नहीं आने की कोशिश करना चाहती हैं अब निहांग का इंपॉर्टेंट रोल तब रहा था जब इन्होंने डिफेंड किया था सिख पंथ अगेंस्ट अगेंस अटैक्स एंड प्रोजिक्यूशन बाई मुगल गवर्नेंस तो जब मुगल गवर्नेस यहाँ पर सिख पंथ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे तब यहाँ पर नहांगस ने मेजर रोल प्ले किया था उसके अलावा इन्होंने जब इन्वेजन हुए थे अफगान अहमद शाह शदुरानी बिटवीन सेवनटीन एंड सेवनटीन तो उसके बाद भी यहाँ पर इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था डिफेंड करने में लेकिन जो निहांग का क्लाउड खत्म हो गया था जब सिख एम्पायर ख़त्म हो गया था एटीन फोर्टी नाइन में तो देयर क्लाउड केम टू एन एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द सिख एम्पायर इन एटीन फोर्टी नाइन अब जो निहांग है वो खालसा कोड को एकदम स्ट्रिक्ट सिख सेंस में यहाँ पर कंडक्ट करते हैं एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से पूरे जो भी खालसा का कोड है उसको फॉलो किया जाना चाहिए तो वो किसी भी अर्थली मास्टर की तरफ एलिजियंस नहीं मानते इस्टेड ऑफ सेफ्रॉन वो हमेशा एक ब्लू निशान साहिब का फ्लैग को वॉच करते हैं अटॉफ दियराइन्स तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो निहांग है वो पर्शियन वर्ड में उसका क्या मतलब है इसके अलावा संस्कृत वर्ड में निहाशांग का क्या मतलब अनब्लमिश प्योर कैफ डी इसके अलावा इन्होंने जो निहांग है वो अपने ओरिजिन कहाँ पर ट्रेस करते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह खाल के खालसा के क्रिएशन से वो अपने ओरिजिन ट्रेस करते हैं इसमें कौन से फैक्शन है आई थिंक ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा इतना ज़्यादा इसके अलावा जो निहांग है उन्होंने कब कब डिफेंड किया था आगे हम चलते हैं इकोनॉमी पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बस ये एक यहाँ पर ये बताया गया क्रिस्टल की रिपोर्ट से जो एन है वो लगभग ग्यारह परसेंट हो सकता है सबसे ज़्यादा हाई एनपीए देखा गया था फिस्कल 2018 में 11.2 परसेंट तो यहाँ पर भी लगभग इस फिसकल ईयर में 10 से 11 परसेंट एन रह सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड आई होप आपको आज न्यूजपेपर समझ आए फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू एंड वनाइज डे